Hello everyone, I'm Dr. Jasleen Arora, Consultant Neonatologist and Pediatrician at Amandip Medicity Hospital, Amritsar. Winter start ho gayi hai aur iske saath saath winters ki problems bhi start ho gayi hai. Common cold aur flu se bahut hi zyada bacche grast hote hain aur bahut zyada school days miss hote hain. Chote bachchon mein saans ki problem bhi aati hai aur parents bahut hi worry ho jate hain ki hum aise cases mein kya kare. तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ पहले फ्लू के बारे में डिस्कस करूँगी. व्हाट इज़ फ्लू, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस एंड व्हाट कैन बी डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस इलनेस. फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से होता है. ऑलमोस्ट 20-30% केसेस में जो सिम्टम्स हैं ये फ्लू वायरसेस की वजह से होते हैं. इन्फ्लुएंजा मेन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ए बी एंड सी. जनरली जो सी है ह्यूमंस में नहीं होता. ए एंड बी की वेरियस सब टाइप्स आर देयर जो हम सुनते हैं, H1N1, H3N2, जो वेरियस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, कॉम्बिनेशंस और म्यूटेशन से वायरसेस में न्यू स्ट्रेन आते हैं जो हर साल चेंज होते रहते हैं और इलनेस कॉज कर सकते हैं. तो फ्लू वायरस इन्फेक्ट क्या चीज़ करता है हमारी बॉडी में? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर एयरवे, लंग्स, ये सारी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको इन्फेक्ट करता है. स्प्रेड कैसे हो आप ये भी जानना चाहेंगे हम कि फ्लू फैलता कैसे है. सिंस इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज, इट स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मेनली. मतलब ड्रॉपलेट्स जो स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो एयर में रह जाते हैं और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा टचिंग ऑफ द कंटामिनेटेड सर्विसेज, किसिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकता है. इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके बच्चे को फ्लू के सिम्टम्स आ रही हो तो आप स्कूल मत भेजिए और आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए ताकि अगर आपने गलती से भी कोई कंटामिनेटेड सरफेस टच किया है तो आपके इन्फेक्शन के रेट कम हो जाए. आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिस सेफ रेस्पिरेटरी हाइजीन. मतलब अगर आपको खांसी आ रही है या आपको स्नीज आ रहा है, मेक श्योर आप एक हैंकरचीफ यूज़ कर रहे हैं. और अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं है तो आप अपने एल्बो में ऐसे करके स्नीज भी कर सकते हैं. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली इट्स अ सडन ऑनसेट इलनेस, एकदम से आती है. फीवर इज अ मेजर सिम्टम इन फ्लू. फीवर के साथ साथ आपको कफिंग, सोर थ्रोट, थ्रोट एक, बॉडी एक्स, मलेस, ऐसे लगना कि शरीर टूटा टूटा सा है, गले में खराश होना, खांसी होना, ये सिम्टम्स मेनली आपके फ्लू में देखे जाते हैं. फ्लू से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? फ्लू वायरसेस कई बारी चेस्ट में जाके एस्थमा कॉज कर सकते हैं. कुछ बच्चों के ब्रेन में जाके मेनिनजाइटिस, एनकेफलाइटिस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. पेट में आपके डायरिया और इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं. आपको पेन एब्डोमेन हो सकता है, पेट में दर्द होना या डायरिया लगना जैसे सिम्टम्स की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर उन बच्चों में देखी जाती है जो 6 महीने से कम होते हैं या उनको ऑलरेडी कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़, एस्थमा, हार्ट पेशेंट्स और पेशेंट्स जो सीपी के पीड़ित होते हैं. तो इसकी सही ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है या आपके बच्चे को कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या सीपी प्रॉब्लम, आप इमिजिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट कीजिए. देर आर सम एंटीवायरल ड्रग्स जो हम दे सकते हैं ऐसे बच्चों को जो 2 दिन के अंदर अंदर ही शुरू करनी होती है. फ्रॉम द सिम्टम ऑनसेट द एंटीवायरल हैज़ टू बी स्टार्टेड विद इन 2 डेज. मतलब 2 दिन का विंडो पीरियड है. अगर हम 3rd या 4th दिन जाके एंटीवायरल स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं आता. उसके अलावा हम घर पे या होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैविंग एडिक्वेट वार्म फ्लूइड्स, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, बारी बारी पानी पीजिए,
पानी के अलावा आप वेजिटेबल सूप्स, अदर सूप्स जो वार्म फ्लूइड्स हैं वो आप ले सकते हैं। फीवर के लिए आप एसिटामिनोफेन लेंगे, आइबुप्रोफेन ड्रग्स अवॉइड करेंगे, खूब सारा बेड रेस्ट लेंगे एंड यू हैव टेंडर लविंग केयर। एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके बच्चे को न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है या आपके बच्चे को मेनिंजाइटिस हो रहा है या आपके बच्चे के अंदर पानी की कमी हो रही है, आपके बच्चे में सीजर हुआ या आपके बच्चे ने पिछले 8 से 9 घंटे में यूरिन पास नहीं किया, अगर आपका बच्चा सुस्त है या आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर रहा। इन केसेस में फ्लू हैज कॉज्ड एन एमरजेंसी कंडीशन जिसके लिए आपको इमिजिएटली डॉक्टरी सलाह लेनी है। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल विच कैन प्रोटेक्ट यू एंड योर लव्ड वन फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा वायरसेस। दीज वैक्सीन आर ऑलमोस्ट 50% एफिकेशियस इन प्रिवेंटिंग मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ फ्लू एंड ऑलमोस्ट 65% एफिकेशियस इन प्रिवेंटिंग सिवियर इलनेसेस ऑफ फ्लू। सो फ्लू शॉट कैन बी योर बेस्ट बेट अगेंस्ट प्रिवेंटिंग फ्लू डिजीज। उसके अलावा मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड, यानी आप जिस बच्चे को इन्फ्लुएंजा की सिम्टम्स आ रही हैं आप उनसे दूर रहिए और खूब हाइजीन मेंटेन कीजिए, प्रैक्टिस गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड डोंट सेंड योर किड टू स्कूल इफ द चाइल्ड इज हैविंग सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड और फ्लू को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।